Hello everybody, so today we will study trick to remember density of S block elements. So as we know that S block elements consist of alkali metals and alkaline earth metals. So alkali metals consist of hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. So basically what is the trick to remember this whole elements of alkali metals? So the trick is he li na ki rab se faryad. So this trick is common, and trick to remember alkaline earth metals, that is beta mange car scooter baap raji. So ye tricks jo hai na ye sabhi ko pata hoti hai, but today we are going to do something different. हम इनकी डेंसिटी कैसे याद रखें, इस पूरे ट्रेंड की डेंसिटी कैसे याद रखें, मतलब जो एल्कली मेटल्स है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, इन दोनों सीरीज की अपन डेंसिटी कैसे याद रखें. सो एज वी नो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम. डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम. बट हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप, अगर हम नीचे जाते हैं ग्रुप के अंदर, तो हमें क्या दिखता है कि जो एटॉमिक मास है दैट इज इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली एज कंपेयर टू वॉल्यूम. आप देख सकते हैं कि एटॉमिक मास जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम. सो मैं क्या बोल सकता हूँ कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास. तो ट्रेंड क्या होना चाहिए था? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. ट्रेंड होना चाहिए था कि टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है. तो ट्रेंड होना क्या चाहिए था? हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगी? डेंसिटी. बट क्या पॉसिबल है ये? व्हाट वी आर स्टडिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो इज इट पॉसिबल दैट देयर इज नो एक्सेप्शन? नॉट रियली. तो यहां क्या एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है? तो एक्सेप्शन क्या है कि सोडियम की डेंसिटी एज कंपेयर टू पोटेशियम ज्यादा होती है. क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ सोडियम इज मोर देन पोटेशियम ड्यू टू अबनॉर्मल लार्ज साइज ऑफ पोटेशियम. अगर पोटेशियम की साइज बड़ी है मतलब वॉल्यूम ज्यादा है, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी? कम, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम का क्या इनवर्स रिलेशन है. इसलिए तो पोटेशियम की डेंसिटी क्या होगी एज कंपेयर टू सोडियम? कम. तो भाई इसे याद कैसे रखें? तो एल्कली मेटल्स की डेंसिटी को याद रखने की ट्रिक क्या होगी? अपने को पता है कि हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो इसको अपन ट्रिक में कंसिडर नहीं कर रहे. तो हाइड्रोजन सबसे पहले लिख दिया अपन ने. उसके बाद ट्रिक चालू होती है अपनी, लिख कर नाम रब का शीशे पर. क्या करना है अपने को? अपने भगवान का नाम शीशे पर लिखना है. तो ट्रिक क्या है? लिख कर नाम रब का शीशे पर. तो लिख कर से Li, दैट इज लिथियम, कर से कर के से पोटेशियम, नाम के Na से सोडियम, रब के Rb से रुबिडियम, एंड शीशे के Cs से क्या हो गया? सीजियम. अपन ने यहाँ पे फ्रेंशियम को इसलिए इंक्लूड नहीं करा क्योंकि फ्रेंशियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव मेटल. इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है. सो ये तो ट्रिक होगी अपने को एल्कली मेटल्स की डेंसिटी याद रखने के लिए. अब बात करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की डेंसिटी कैसे याद रखें अपन. सो एज वी नो दैट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम, रेडियम, इन दिस होल ग्रुप रेडियम इज रेडियो एक्टिव मेटल, सो वी विल नॉट इंक्लूड दिस इनटू दिस ट्रेंड. सो अब बात करते हैं अपन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम की. तो इसके अंदर ऑर्डर क्या होना चाहिए था? बेरिलियम की डेंसिटी क्या होगी? सबसे कम. उसके बाद मैग्नीशियम की, उसके बाद कैल्शियम की, उसके बाद स्ट्रॉन्शियम की, उसके बाद बैरियम की. क्योंकि एटॉमिक मास ऊपर से नीचे, एज वी नो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है सिग्निफिकेंटली एज कंपेयर टू वॉल्यूम. तो डेंसिटी होनी चाहिए थी ये. बट इज इट पॉसिबल दैट वी आर स्टडिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देर इज नो एक्सेप्शन? नॉट रियली. सो अब अपन देखते हैं इसमें एक्सेप्शन क्या क्या है. भाई इसके अंदर एक्सेप्शन इतने हैं ना कि पूरी ये जो ट्रेंड है, पूरा ट्रेंड क्या हो गया, एक मिसलेनियस तरह से अरेंज हो गया. तो देखते हैं अपन क्या है इसका ट्रेंड बाय ट्रिक. जैसे नॉर्मली
ट्रेंड होना चाहिए था इसका, ये बेरिलियम की डेंसिटी सबसे कम, उसके बाद मैग्नीशियम की, उसके बाद कैल्शियम की, उसके बाद स्ट्रोंशियम की, उसके बाद बेरियम की, रेडियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो डेंसिटी का ऑर्डर होना चाहिए था ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, बट डेंसिटी होती क्या है, दिस डेंसिटी होती ये कि कैल्शियम की डेंसिटी सबसे कम होगी, उसके बाद मैग्नीशियम की, उसके बाद बेरिलियम की, उसके बाद स्ट्रोंशियम की, उसके बाद बेरियम की, ये पूरा ऑर्डर आप देख सकते हैं, पूरा रीअरेंज हो गया ऑर्डर। तो इसको अपन ट्रिक की हेल्प से कैसे याद रखें, तो ट्रिक क्या अपना, कमाना मन से फिर भी बेरोजगारी सर पे भारी। तो ये एकदम जायज ट्रिक है जिसको आप रिलेट भी कर सकते हो खुद से, मैं तो अपने आप से रिलेट कर सकता हूं इसको। तो यहां पे कमाना के सी ए से क्या हो गया, कैल्शियम, मन को आप इंग्लिश में आप जब मैनिपुलेट करते हो तो एम ए एन होता है, तो उसके एम से क्या हो गया, मैग्नीशियम। बेरोजगारी बी ई से क्या हो गया, बेरिलियम। सर एस ए आर, तो उसके एस से क्या हो गया, स्ट्रॉन्शियम। भारी बी एच ए आर आई, भारी के बी से, बी और ए से क्या हो गया, बेरियम। तो कमाना मन से फिर भी बेरोजगारी सर पे भारी, तो ये क्या होगी, डेंसिटी का ऑर्डर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की याद रखने की ट्रिक, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने ने क्या कर रखा है, इसको लोकेट कर रखा है इस ट्रिक के अंदर। सो इफ यू लव दिस ट्रिक्स, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू वांट टू सजेस्ट समथिंग मोर देन यू कैन कमेंट बिलो, एंड यू इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल टिल नाउ देन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर सच ऑसम ट्रिक्स इन अपकमिंग वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।